सब श्रोताओं को आज के इस श्री गुरुदेव की मधुर स्मृतियां इस कार्यक्रम में सब लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग सबसे पहले जगन्नाथ पुरी धाम से श्री रमणी मोहन प्रभु के मुखारविंद से हम लोगों ने श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी द्वारा रचित कबे कृष्ण धन पावो इस कीर्तन को हम लोगों ने श्रवण किया है। ये बहुत ही विरह सूचक ये कीर्तन है, श्री गुरुदेव को बहुत ही प्रियता ये कीर्तन हम लोगों ने इसको श्रवण किया है। अब हम लोग आज के इस कार्यक्रम में श्री गुरुदेव के बहुत निकट रह करके जिन्होंने सेवा की है, जिन्होंने विशेष करके परम पूज्यपाद नेत्रिला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टशत श्री श्रीमद्भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की सेवा की है अंतरंग रूप से। तत्पश्चात गुरु महाराज जी की भी इन्होंने अंतरंग रूप से सेवा की है। तत्पश्चात परम पूज्यपाद श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान श्री भारती गोस्वामी महाराज जी की भी इन्होंने निकट रह करके सेवा की है। इनका सौभाग्य तो कहना ही क्या है। महाराज जी का हम लोग परम पूज्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत सिद्धांती महाराज जी से हम लोग आज इन सभी महापुरुषों की महिमा विशेष करके श्री गुरुदेव की मधुर मधुर जो बातें हैं जो निकट में रह करके पब्लिकेशन में भी हम सब लोग साथ में होते थे महाराज जी के साथ में ही, तो इसलिए महाराज जी के साथ भी बहुत निकटत्व है, घनिष्ठत्व है सब प्रकार से। और महाराज जी से हम लोग जो प्रारंभ से इनका जो संबंध रहा श्री गुरुदेव के साथ और क्या शिक्षाएं इनको प्राप्त हुई है और किस प्रकार से इन्होंने सेवा किया और सेवा में क्या-क्या उपलब्धियां इनको मिली है, इन सब के बारे में हम लोग परम पूज्य श्री श्रीमद वेदांत सिद्धांती महाराज जी से हम लोग सुनेंगे। महाराज जी का बड़ा ही मधुर स्वभाव है और इन्होंने लगभग 10-1 साल से पूरे विश्व में श्री गुरुदेव की जो वाणी है इसको सब जगह प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो हम लोग धन्य आज कि श्री महाराज जी के मुखारविंद से श्री गुरुदेव की मधुर मधुर जो स्मृतियां हैं वो हम लोग सुनेंगे। महाराज जी हरे कृष्णा, धन्यवाद दंडवत प्रणाम। महाराज जी, प्रणाम। महाराज जी फिलहाल अभी यूएसए में हैं, सियाटल में। कृपा करके हम लोगों के साथ जुड़े हैं। सियाटल में इस समय सुबह का समय है अभी, तो भी महाराज जी ने कृपा करके जो समय जो है निकाल करके हम सभी के सामने उपस्थित हैं। प्रार्थना महाराज जी गुरुदेव के बारे में आप कहिएगा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीते नाम्ने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णेभ्यो नमो नमः। गौरसच्चित्रामितनिधि गौरं सर्वमस्तु वै गौरेण प्रथितं रहस्य भजनं गौरं सर्वं ददे। गौरस्य कृपालुरात्रि न परो गौरस्य भृत्यस्य भवान् गौरगौरमचरामि भगवान् गौरप्रभुरक्षमाम् भगवान् गौर प्रभु रक्षमा।
राधा चिंता निवेशिनाम यस्य कांति विलोकिता श्री कृष्ण चरणं वंदे राधालिंगितं विग्रहं भक्त्या विहीनाय अपराध लक्ष्य क्षिप्तस्य कामादितरंग मध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्न वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सरि गौर भक्त वृंद। एक बार सभी बोलिए, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की जय। जय शताब्दी जन्म शताब्दी की जय। सर्वप्रथम गुरु महाराज नित्य लीला प्रवेश विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्रीमान भक्ति प्रमोद पुरी स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदुपरांत मेरे शिक्षा गुरुदेव एवं संन्यास गुरुदेव नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णु पाद भक्ति विज्ञान श्री भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में संख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। सपार्श्व श्री प्रभुपाद जी के श्री चरण कमलों में संख्य कोटि दंडवत प्रणाम। सपार्श्व सचिनंदन गौर हरि श्री श्री राधा माधव जी के चरणों में मेरा असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे गुरु भाई श्रीपाद विजय कृष्ण प्रभु जी को हार्दिक धन्यवाद और दंडवत प्रणाम। और इनके साथ जो भी गीतांजलि दीदी और भी जो भक्त लोगों ने मिलकर ये एक आयोजन जो रखा टेक्नोलॉजी के माध्यम से गुरु जी की महिमा का गुणगान हम लोग विभिन्न वक्ताओं के मुख से श्रवण कर सकते हैं, उसका पूरा पूरा हम लाभ उठा रहे हैं और उठाना भी चाहिए। तो पूरी टीम को ही विजय कृष्ण प्रभु और जो पूरी टीम इसमें सहयोग कर रही है सबको मेरा प्रणाम। और सभी श्रोताओं को जो सुन रहे हैं देख रहे हैं आप सबको भी मेरा दंडवत प्रणाम। तो कहाँ से आरंभ करें ये समस्या है। 95 में नहीं, 95 में जैसे आप किस प्रकार से पहली बार कथा सुनने माधव प्रभु के साथ आते थे तो वहां से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है। जैसे अभी प्रभु जी ने बतलाया, अब गुरुदेव के विषय में तो कहने के लिए तो कोई सीमा नहीं। और सिर्फ ये मैं नहीं कह सकता, हमारे जितने भी भक्त लोग हैं गुरुदेव की महिमा का गान महीनों महीनों तक कर सकते हैं। लेकिन पुरातन स्मृतियां उसका उजागर तो बहुत वर्ष पहले की बात है। '92 में गुरुदेव मेरे पूर्व आश्रम जहां पर मैं दिल्ली में था, पूर्व आश्रम के निकट राधेपुरी में एक भागवत सप्ताह था जहां पर हमारे पूज्यपाद तीर्थ महाराज जी उस समय शुभानंद प्रभु अभी उनका संन्यास नहीं हुआ था और कृष्णदास प्रभु और ऐसे बहुत सारे ब्रह्मचारी एकत्रित होकर भागवत कथा का आयोजन में वह लोग सब आए थे। और गुरुदेव वो अंतिम में एक घंटे के लिए आते थे और पूरी कथा का जो सार उस दिवस की जो कथा उसका सारा सार कह देते थे। ये एक आयोजन था। तो मेरे साथ माधवप्रिय प्रभु भी थे, हमारा बहुत पुराना, जब हम लोग इस्कॉन में ही मिले, मैं भी
वहीं पर प्रभु जी भी वहीं पर और हमारे वहीं से मित्रता आरंभ हुई थी लगभग सन 1990 में, अभी 30 वर्ष होने जा रहे हैं। तो हम कथा सुनने गए और उससे पहले भी एक हरिनगर में भागवत कथा हुई थी, तब भी मैं और माधव प्रभु गुरुदेव की भागवत सप्ताह सुनने गए थे। तो वही क्रम चलता था, पूज्यपाद तीर्थ महाराज जी बोलते थे और गुरुदेव लास्ट में आते थे और पूरी कथा का एसेंस साथ देते थे। वो हरिनगर में कथा हुई थी, तो शायद 91 या 90 की बात होगी, लेकिन जो मेरे को स्मरण अभी 92 की बात 92। तो गुरु जी वहां पर रह रहे थे, तो रामचंद्र प्रभु जी उनका भी बहुत पुराना संबंध था हमारा इस्कॉन के समय से, हम एक साथ ही हम लोग प्रचार करते थे, हम इस्कॉन यूथ फोरम ज्वाइन किया था हम लोगों ने। तो रामचंद्र प्रभु उनकी मधुर वाणी और उनकी कथा कहने का ढंग बड़ा आकर्षक, तो उनके साथ बड़ा अच्छा मैत्री भाव था। तो हम लोग जब वहां पर कथा सुनने गए तो लगभग 3 दिन कथा का हो चुका था। गुरुदेव को वहां पर सोने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी क्योंकि गलियों में कुत्ते होते हैं, वो सारी रात भौंकते हैं और इतना शोर होता है, और गुरुदेव की उस समय नींद बहुत सेंसिटिव थी, हल्का सी चू हो जाती थी तो एकदम गुरुदेव जाग जाते थे, और मथुरा में भी ऐसे ही था। मथुरा में भी यदि कोई गुरुदेव के कमरे के बाहर, वो जो नीचे वाला जो कमरा पहले जहाँ रहते थे गुरुदेव, कोई वहां से बाहर से निकल के भी जाए, हल्की सी आहट होती थी तो गुरुदेव पूछ रहे कौन है, तो सबको पता था कि गुरुदेव विश्राम करते हैं और धीरे धीरे जाना है। तो 3 दिन के बाद रामचंद्र गुरु ने पूछा कि महाराज जी को यहाँ पर थोड़ी कठिनाई हो रही है, अपने घर ले जाओगे, तुम्हारा घर तो वहां बड़ा है और शांति है। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं ले जाएंगे, नहीं अपने माता पिता से पूछ लो। मैंने बोला पूछने की आवश्यकता नहीं। तो उन्होंने फिर गुरुदेव को ये बात प्रस्ताव रखा कि ये लड़का ये पास में ही रहता है, मैं उस समय कॉलेज में पढ़ता था अभी सेकेंड ईयर में, तो ये लड़का पास में ही रहता है तो ये आपको ले जाएगा। अब मैं हो सकता है मैं जो ईयर है जो साल 92 थोड़ा गलत भी बोल सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे को क्षमा करना, मेरे को ठीक से स्मरण नहीं है, लेकिन 92 या 93 की बात है लगभग। तो गुरुदेव ने पूछा घर ले जाएगा, जैसे गुरुदेव का एक स्टाइल है पूछने का, पूरा एकदम ममता भरा स्टाइल, कोई उसमें किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, और चश्मा से करके गुरुदेव ने बोला, वो अभी भी सीन स्मरण आ रहा है, घर ले जाएगा। मैंने बोला हाँ गुरुदेव, तो रोज कथा में कौन लेकर आएगा। मैंने बोला मैं लेकर आऊंगा। तो तुम गाड़ी चलाता है, मैं कहा हाँ गुरुदेव गाड़ी में ही आया हूँ। तो माता पिता को कोई परेशानी नहीं होगी, मैंने बोला नहीं महाराज जी, उस समय महाराज जी बोलते थे गुरुदेव को, कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा चलो तो हमारा सामान रख लो। तो गुरु जी को लेकर घर लेकर आया, और जो मेरा ही वाला जो कमरा जहाँ पर मैं रहता था वहां पर गुरु जी को वो स्थान मतलब अर्पण किया, गुरु जी उस कमरे में रहे, और उस समय कोई भी भीड़ भाड़ नहीं होती थी गुरुदेव के पास, कोई बहुत सारे लोग नहीं, माधव महाराज जी नवीन कृष्ण ब्रह्मचारी बस एक सेवक गुरु जी के साथ रहते थे और कोई भी नहीं। गुरु जी के दिन चल गया, उस समय देखा रात्रि को उठकर अपनी हरिनाम संख्या हमको, और गुरु जी बहुत धीमी धीमी आवाज में बोलते थे जिससे कि घर वालों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। गुरु जी के स्वभाव में एक मैं अभी बाद में और बतलाऊंगा कि मेरे कारण किसी को कष्ट ना हो, मेरे कारण किसी को कष्ट ना हो, ये गुरु जी का एक बड़ा सुंदर एक स्वभाव, एक ममता वाला भाव
इसलिए धीरे धीरे शब्द में हरे कृष्ण ये इस प्रकार से गुरु जी बड़े प्रेम पूर्वक हरि नाम जप करते, कोई जल्दबाजी वाला नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार गुरु जी जप करते। और फिर शहर में लेके जाना, पास में एक पार्क था, गुरु जी कहते मैं गुरु जी माधव के प्रभु और पूज्यपाद माधव महाराज जी नवीन कृष्ण ब्रह्मचारी और कभी कभी रामचंद्र प्रभु सुबह आ जाते थे। शहर के बाद गुरु जी वहां पर थोड़ा कक्कलेवा लिया सुबह का, और गौड़ीय गीति बुक जो जो ड्राइंग रूम में बैठकर गौड़ीय गीति कुछ उठाकर गुरु जी से कुछ पढ़ते थे। कोई भी नहीं गुरु जी के पास, मैं वहां नीचे बैठ जाता और गुरु जी पढ़ते थे उसमें से और बोलते थे देखो इसमें जो भजन है, इसमें जो अष्टकम है, नित्य प्रति पाठ करने से भक्ति में दृढ़ता आती है। ये गुरु जी ने बात कही, क्योंकि गौड़ीय गीति कुछ में है क्या, लालसामयी प्रार्थना है। अभी अभी हमने रमणी मोहन प्रभु जी से जगन्नाथपुरी धाम से कथा सुनी, कीर्तन सुना ना, कवे कृष्ण धन पावे, लालसामयी प्रार्थना पूरी गौड़ीय गीति में है ही क्या, लालसा ही तो है। हमें कहा जाता है निष्काम होना चाहिए, और श्लोक भी तो है भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामे सकले या शांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो भुक्ति और मुक्ति चाहता है वो कैसा है, सब समय अशांत रहता है, और कृष्ण भक्त कैसा, मतलब निष्काम है इसलिए शांत है। लेकिन यदि देखा जाए ना तो कृष्ण भक्त निष्काम है और ना ही कृष्ण भक्त शांत है। दूसरी थ्योरी से समझेंगे किस प्रकार की अशांति है, लालसाएं हैं, सब काम पूरे कामनाओं से भरा पड़ा है, पूरी गौड़ीय गीति कुछ कामनाओं से तो भरी पड़ी है। श्रीनोत्तम ठाकुर जी, भक्तिवीर ठाकुर जी, लोचनदास ठाकुर जी ये तो सिखा रहे हैं हम लोगों को कि कौन सी कामना होनी चाहिए, कौन सी कामना होनी चाहिए, और उसी कामना में इतनी अशांति है। श्रीनोत्तम ठाकुर जी, भक्तिवीर ठाकुर जी, प्रभुपाद जी, परम गुरुदेव और हमारे गुरुदेव भी, शांति कहां देखी गई, पूर्ण रूप से कृष्ण सेवा में, महाप्रभु जी के प्रचार सेवा में अशांति ही तो प्रदर्शित होती है। इसलिए गुरुदेव वो पढ़ते घंटों घंटों उसको पढ़ते, और फिर अपना जो उनका दिनचर्या था उस तरह से गुरुदेव पढ़ते। अच्छा ये तो उनका थोड़ा सा बतलाया। एक दिन मैं गुरु जी के पास आया और आकर मैंने बोला कि मैं आपसे कुछ एक व्यक्तिगत पर्सनल बात करना चाहता हूँ, किसी के सामने नहीं। गुरु जी ने बोला अरे ये नवीन मेरा सेवक है, कोई परेशानी नहीं, ये सब जानता है। मैंने बोला नहीं गुरु जी, सिर्फ मैं आपको ही कहूँगा और किसी को नहीं कहूँगा। तो बोलते हैं अच्छा 4 बजे आ जाना, क्योंकि गुरु जी विश्राम करके उठते हैं 4 बजे के करीब। तो मैं गया कक्ष में गुरु जी के, बोलते क्या बात है बताओ। मैंने बोला मैंने अनेक बार सुना है, अपनी आंखों से देखा भी, मथुरा मठ में जो ब्रह्मचारी है, सन्यासी तो उस समय कम थे, तो मन में यही बात थी कि कैसे गुरुजी उन सबको पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं, कथा बुलाना, कीर्तन गाना, प्रचार में भेजना। तो इस ट्रेनिंग के लिए कि मैं भी कभी वहां रह सकता हूँ एज ए ब्रह्मचारी और गुरुजी के मुख से कथा सुनूंगा, क्योंकि सुना था दिन में 3-3 बार 4-4 बार हरी कथा बोलते हैं और ब्रह्मचारी को सिखाते हैं श्लोक याद करना, कथा सिखाना, ये गुरु जी का वैशिष्ट्य रहा। तो क्या मैं भी ऐसा, तो मैंने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी महाराज जी
मैं क्या मथुरा मठ में रह सकता हूँ? तो महाराज जी ने हंसकर, सूर्यदेव ने हंसकर बोला, तुम लोग जिस जैसे घर में पले बड़े हो, मुझको भय लगता है। ये कहते हुए कि ये सुख ऐश्वर्य छोड़ दो और मठ में आ जाओ। तुम लोग जिस प्रकार से इस कंफर्ट जोन में रहते हो, घर में गाड़ी है, नौकर है, पिताजी का बिजनेस है, जिस तरीके में तुम रहते हो मठ में रह नहीं पाओगे। इनडायरेक्टली गुरु जी ने हिंट दिया। ठीक है, मैंने स्वीकार कर लिया। अगले दिन फिर गुरु जी के कक्ष में गया। मैंने बोला, मेरा मन थोड़ा सा चंचल है, मैं सच में घर में नहीं रहना चाहता, मेरे मठ में रहने की इच्छा है, आपके साथ रहने की इच्छा है, ऐसे बोला। तब गुरु जी ने फिर क्या बोला अगले दिन, ये बात बड़े लक्ष्य करने वाली है, क्योंकि उस समय मैं एक कॉलेज का एक छात्र हूँ, टीनेजर हूँ, तो मेरी भाषा में मेरे को समझाने के लिए गुरु जी ने बोला, किसी से यदि प्रेम होगा, किसी से यदि प्रेम करोगे, तो पहले माता पिता की आज्ञा लेनी पड़ेगी तुमको, आज्ञा लोगे उनसे, किसी से प्रेम करना होगा यदि, तो यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। हाँ, समझे बात को, कि यदि कृष्ण से प्रेम हो ही गया है, तो फिर यहाँ पर प्रश्न का पूछने का प्रश्न का उत्तर है कि मैं आ जाऊं कि ना आ जाऊं। यदि ये मन में भय है या संशय है कि मैं आऊं मठ में या ना आऊं, इसका मतलब अभी दृढ़ता नहीं है, इसका मतलब अभी दृढ़ता नहीं है, अभी कहीं संशय है। और यदि प्रेम हो ही जाएगा, फिर कौन किसको पूछता है, साधारण जगत में ये प्रेम हो गया तो फोन किसको पूछता है, कोई आज्ञा लेनी पड़ती है माता पिता से। यही गुरु जी ने वहां पर लक्ष्य किया, उस साधारण बात में कितनी गूढ़ शिक्षा है। अब उसी को ही अगर एलैबोरेट करें तो श्री नरोत्तम ठाकुर जी का चरित्र देखो, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का चरित्र देखो, कौन सी बंधन उनको बांध पाया, कौन सा बंधन बांध पाया। तो उस समय तो मैं मतलब एक साधारण से छात्र, एक स्टूडेंट, मेरी भाषा में मेरे को समझाने के लिए गुरु जी ने ये बात कही। तो 3 दिन गुरु जी रहे, भागवत सप्ताह समाप्त हो गया। मैं गुरु जी को ड्राइविंग करके ले जाता गाड़ी से, और ड्राइविंग करके ले आता, फिर रात को मसाज करके उनको अच्छे से उनके चरणों में वो तेल लगाकर मसाज करके सुला देता। तो ये 3 दिन का सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जब गुरु जी जाने लगे, तो माता पिता, पूरा परिवार, सब गुरु जी को दक्षिणा इत्यादि दिए, और सब गेट तक गुरु जी को पीछे पीछे चले उनको विदाई देने के लिए। सब गेट तक रुक गए, मैं गुरु जी के साथ आगे गया गाड़ी तक, गेट खोला, गुरु जी को बिठाया, और गुरु जी ने खिड़की के अंदर ऐसे झांक कर उनके चरणों को ऐसे छूने के लिए, सब लोग पीछे खड़े, माता पिता, पूरा परिवार, भाई सब, मैं आगे गया, दृश्य को समझने की चेष्टा करूं। गुरु जी ने उन सब की ओर देखा, सब ऐसे खड़े थे हाथ जोड़कर, गुरु जी ने उन सब की ओर देखा और जोर से कहा गुरु जी ने, माता पिता भक्त हैं, उनकी सेवा करना। जोर से बोला, माता पिता खुश हो गए, प्रसन्न हो गए सुनकर। और जब मैं आगे झुका चरणों को छूने के लिए, मेरे कान में कुछ और कहा, जोर से तो ये कहा कि माता पिता भक्त हैं, उनकी सेवा करना सारा जीवन, और कान में कह दिया, समझना कौन वास्तव में माता पिता है, ये बात समझ लेना वास्तव में माता पिता कौन है। यही तो एक मंत्र होता है, कौन वास्तव में माता पिता है। हर जन्म में तो माता पिता प्राप्त होते हैं, कोई ऐसा जन्म है जहां माता पिता प्राप्त ना हो, लेकिन ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव,
गुरु कृष्ण प्रसादे भाई भक्ति लता बीच, ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते भवाप पवर्गो भ्रमत यस भवे जनस्य तद अच्युत सत समागम सत्संगो यही तदे सदगतो परावेश जायते रति। राजा मुचकुंद जी ने भी ऐसी ही प्रार्थना की, ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान जी, तो हर जन्म में माता पिता मिलेंगे लेकिन गुरु जी का गुरुदेव की सदगुरु की प्राप्ति वह भी बड़ी दुर्लभ है। और क्या दुर्लभ है, उन सदगुरु की सेवा भी और अत्यंत दुर्लभ है। भागवत जी के अनुसार जो सारे शास्त्रों का सार है, दो ही वस्तु को दुर्लभ बताया, दो ही वस्तु को दुर्लभ बताया, भगवान को दुर्लभ नहीं बताया, श्री कृष्ण को दुर्लभ नहीं बताया, भागवत जी का प्रमाण है ना श्लोक। दुर्लभ मनुष्य जन्मम देही नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभ मन में वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भागवत जी के श्लोक में दो वस्तु दुर्लभ बताई, क्या बताया, दुर्लभ मनुष्य जन्म, ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। और गुरु जी जब भी दिल्ली जनकपुरी मठ में या अन्य अन्य पंडाल प्रोग्राम में गुरु जी एक श्लोक को बार बार उच्चारण करते थे, लब्धवा से दुर्लभ इदम बहु संबंधवन, बहु संबंधवन थे बार बार, सबको प्रेरणा देते इस श्लोक को अच्छे से समझो, ये मनुष्य शरीर कितनी कितनी बार भटकने के बाद प्राप्त हुआ है। तो मनुष्य शरीर दुर्लभ है, और दूसरा दुर्लभ क्या बताया, वैकुंठ प्रिय दर्शनम, जो वैकुंठ प्रिय है गुरुदेव जैसे महाप्रभु के परिकर राधा कृष्ण के परिकर, इनका दर्शन वैकुंठ प्रिय दर्शनम, इनका दर्शन दुर्लभ है। दर्शन का मतलब मात्र देखना नहीं होता, दर्शन का अर्थ ही कुछ और होता है। दर्शन होने से ही मनोवृत्ति बदलती है, देखने से नहीं बदलती, देखने से सुकृति मात होती है। मैंने गुरु जी को देखा, दर्शन नहीं कर पाया, यदि मैं दर्शन कर पाता तो ये दुर्दशा नहीं होती, आज भक्ति प्राप्त हुई होती। गुरु जी की कृपा में कोई संशय नहीं है, अपने साधन में कमजोरी है, हृदय दौर्बल्यों की कमजोरी है। श्री गदाधर पंडित जी ने पुंडलिक विद्यानिधि का लीला के माध्यम से दिखाया, पहले देखा लेकिन बाद में दर्शन हुआ, जब बाद में दर्शन हुआ तो दीक्षा इत्यादि हुआ। हम लोग देखते हैं लेकिन दर्शन करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये दर्शन वैकुंठ प्रिय दर्शन है, ये बड़ा दुर्लभ है। गुरुदेव की सेवा प्राप्ति दुर्लभ है और मेरी मेरी आवाज ऑडिबल है, कम आ रहा महाराज, सब लोग कह रहे हैं कि कम आ रहा आपका आवाज, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए थोड़ा सा। हरे कृष्णा, अभी कैसा है, अभी थोड़ा ठीक है, और थोड़ा फिर बढ़ाने नहीं तो फूल है भाई, फूल है, चलो तो बराबर आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, तो इस श्लोक के माध्यम से ये बतलाया गया, एक तो मनुष्य शरीर दुर्लभ है और दूसरा वैकुंठ प्रिय दर्शनम, गुरुदेव जैसे मुकुंद प्रेष्ट इनका दर्शन दुर्लभ है, वास्तव में जो दर्शन कहा जाता है, साथ में रहकर सेवा करना। गुरुदेव की भाषा में ही बोलता हूं, बोलते हैं खटमल भी बिस्तरे में रहता है, तो वो खटमल
संग नहीं करता, संग करने से रंग चढ़ता है, संग करने से परिवर्तन होता है। मात्र पास रहने से, गुरुदेव के चरण सेवा करने से ठीक है, ये भी एक सुकृति है, लेकिन वास्तविक में गुरुदेव की मनोविष्ट सेवा, उनके उपदेश पर चलना, मैं समझता हूं ये सबसे बड़ी निकटता है, ये प्रॉक्सिमिटी है। इसी को वास्तव में मैं निकटता मैं ये मानता हूं, और वो मुझको अभी तक प्राप्त नहीं हुई। मैं आपने तो महाराज जी निकट में रह करके तीन तीन महापुरुषों की सेवा किया है, थोड़ा अभी तो गुरुदेव की सेवा के बारे में कहिएगा विस्तार से। और अच्छा नहीं भाई, थोड़ा प्रसंग दूसरा हो रहा है। गुरु जी ने जाते जाते ये एक मंत्र कान में फूंक दिया, फिर जैसे भगवान की एक अरेंजमेंट था, एक इच्छा थी, गुरु जी को परकीय भाव बड़ा अच्छा लगता है ना, तो जब गुरुदेव की मथुरा मठ में हम लोग सेवा करते थे, विजय प्रभु भी होते थे, तो माधव महाराज जी एक श्लोक सुनाते थे हमको, चाचा जी बुलाते हैं माधव महाराज और तीर्थ महाराज जी, उसके बाद बन महाराज जी, चाचा जी बुलाते थे। तो एक दिन गुरु जी कक्ष में थे, तो कुछ बात हुई, तो उसके बाद माधव महाराज ने कहा कि चाचा जी बताएंगे ना, चाचा गुरु बताएंगे ना, तो गुरुदेव ने एकदम सुन लिया, चाचा गुरु क्या मतलब, ऐसे बोले। तो माधव महाराज ने बोला ये हमारे चाचा नहीं लगे, क्योंकि आपकी दीक्षा परम गुरु जी से हुई, हमारी दीक्षा शिव भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, तो संबंध में माधव महाराज जी बोले लगे हमारे चाचा लगते हैं ना। तो गुरु जी एकदम गंभीर होकर बोले खबरदार कभी दोबारा नहीं बोलना, ये हमारे ही शिष्य है, ये हमारे शिष्य है। कहने का मतलब गुरु जी वहां पर क्या स्थापित करना चाह रहे हैं, कभी अपना और पराया का ये कभी भेदभाव गुरु जी ने कभी नहीं रखा, कभी भी नहीं, व्यक्तिगत रूप से उनके साथ रहकर ही बात को देखा। चले जैसे पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी श्री भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के आश्रित हैं, और हमारे अधिकांश सन्यासी वर्ग भक्ति विदान वामन गोस्वामी महाराज जी के आश्रित हैं, और बहुत सारे भक्त श्री भक्ति विदान स्वामी महाराज जी के आश्रित हैं, श्री गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी के आश्रित। लेकिन गुरु जी के साथ रहकर किसी ने भी आज तक कभी ये बात नहीं कह सकता कोई भी कि गुरु जी ने कभी पक्षपात किया हो कि मेरा शिष्य है और वो उसका शिष्य है, कभी नहीं। बल्कि जिसकी जैसी सेवा का अधिकार उसको वो सेवा दी गई, और क्या कही, जो सेवा का अधिकार नहीं भी उसमें शक्ति संचार करके सेवा को ले लिया गया। जीव गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर श्लोक संदर्भ में बोला, लागू तो भगवान पर होता है लेकिन गुरु जी पर भी यह होता है। अनुकंपा, जीव गोस्वामी जी ने अनुकंपा शब्द का एक अर्थ बताया। अनुकंपा किसको कहते हैं, कंपैशन किसको कहते हैं, तो भगवान की अनुकंपा के संबंध में जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं, अनुकंपा च पूर्णस्मि स्वास्मिन सेवाधिकार से संपादक सेवकादिषु सेव्य सौभाग्य संपादक भागवत आत्मयि तद उपकार इच्छा। ये पूरा एक अनुकंपा शब्द का एक पूरा एलैबोरेट करके अर्थ बताया विस्तार करके। भगवान पूर्ण है लेकिन पूर्ण होते हुए जहां पर वो अपूर्णता प्रदर्शित करते हैं यही उनकी अनुकंपा है। कौन सा ऐसा कार्य जो भगवान नहीं कर सकते। जो श्री राम साकेत धाम से यहां पर आ सकते हैं तो एक समुद्र पार नहीं कर सकते। विचार करो, जो साकेत धाम से सपरिकर सब पार्षद इस पृथ्वी पर आ सकते हैं
उनके लिए एक समुद्र पार करना बहुत बहुत बड़ी बात है क्या? पूर्ण है लेकिन अपूर्णता प्रदर्शित कर रहे हैं। क्यों? अपने अपने परिकरों को सेवा सुख का आस्वादन कराने के लिए। क्यों? वो मेरी सेवा कर रहे हैं और उसके उस सेवा के फलस्वरूप उनको आनंद की प्राप्ति है। तो अपनी लीला का विस्तार करते हैं पूर्ण होने पर अपूर्णता दिखाकर कि मैं समुद्र पार नहीं कर सकता, मुझको आप सबकी सहायता की आवश्यकता है। तो पहले पहला पॉइंट अपूर्णता दिखलाना, दूसरा अपनी सेवा का विस्तार करना, तीसरा अपने निज परिकर में शक्ति का संचारण करना, और फिर चौथा उनको उस सेवामयी भावना से उनको आनंद को वर्धन करना और उनके आनंद वर्धन से स्वयं आनंद का वर्धन होना। ये तात्पर्य है अनुकंपा शब्द का। और ठीक यही का यही हमारे समस्त गुरु वर्गों में देखा गया और जिनके विषय में हम लोग सभा कर रहे हैं श्री गुरुदेव के विषय में भी पूर्ण है। ब्रह्मांड भ्रमित ब्रह्मांड तारिप्य शक्ति धोरे जने जने ऐसी बोल दिया। ऐसी सिर्फ एक पंक्ति को ऐड करने के लिए लिख दिया गया उसमें। सारे ब्रह्मांड को तारने की शक्ति रखते हैं शिव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। क्या सारे ब्रह्मांड को तार नहीं कर सकते? क्या नहीं तार सकते? कर सकते हैं, लेकिन जब सपरिकर गौर हरि सामने प्रकट हुए तो हाथ जोड़कर क्या कहने लगे, मैं कैसे प्रचार करूं, ना जन ना धन ना मैन ना मनी, ये क्या है? ये एक दीनता तो है परंतु एक शिक्षा का भी प्रदर्शन है। अपने गुरुजनों के सामने किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, एक आदर्श दिखलाया है कि मैं कैसे प्रचार करूं, आपकी शक्ति के बिना कैसे संभव है। क्या उस समय प्रभुपाद जी बोल देते, हाँ हाँ महाप्रभु जी आप मुझ पर कृपा करो, देखो मैं कितना प्रचार कर दूंगा। कभी गुरुदेव ने बात कही कि मैंने प्रचार किया है? नहीं। यही जहां पर विजय प्रभु बैठे हैं, जम्मू की कथा सुनाता हूँ। हरी कथा बोलकर आए रिहाड़ी मन में, गुरु जी की भागवत कथा होती थी। हम कथा के बाद गुरु जी आते थे तो जो उनका नॉर्मल जो स्केड्यूल है, गुरु जी आकर विश्राम करते हैं और सारे ब्रह्मचारी सन्यासी गुरु जी के चरणों की सेवा करते हैं थोड़ा सा उनको रिलैक्स करने के लिए। तो जो गुरु जी के चरणों की सेवा कर रहे थे तो हमारे धीर कृष्ण प्रभु ये गुरु जी के हाथ को ऐसे मसाज कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि आप जिस प्रकार से भक्तों का तारतम्य बतलाते हो, जो आपका फेवरेट टॉपिक है वीर भागवतम रतम्य से, ये गुरु जी का कितना मैंने दिल्ली में और नोएडा में जम्मू में जहां जहां भारत में गुरु जी के भागवत सप्ताह होते थे या पंडाल प्रोग्राम होते थे, बड़े बड़े विराट आयोजन होते थे, ये गुरु जी इस विषय को जरूर उठाते थे, अवश्य उठाते थे, भक्तों का तारतम्य, जिससे जन समुदाय ये बात को समझ ले कि भक्तों में तारतम्य क्या है और तारतम्य के द्वारा कहाँ तक पहुंचते हैं, राधा दास्यतम पहुंचना है। इतना सब तो मसाज करते करते मालिश करते करते प्रभु जी ने कहा कि गुरुजी अगर यदि आप ये सब विषयों को नहीं बताते, हम और सारा विश्व इससे वंचित हो जाता। तो कुछ गलत कहा उन्होंने? बिल्कुल ठीक बात तो कही गुरुदेव, यदि आप इन विषयों को हमको नहीं बतलाते तो सारा जगत और हम भी उस जगत में ही है, हम उससे वंचित हो जाते। तो जानते गुरुजी उस समय एकदम हड़बड़ाकर खड़े हो गए और खड़े होकर कहने लगे, खबरदार कभी ये मत कहना, ये मेरी बात नहीं है, ये हमारी गुरु परंपरा की बात है, ये सनातन गोस्वामी जी की बात है, ये भक्तिनाथ ठाकुर जी की बात है, ये प्रभुपाद जी की बात है, ये परम गुरुदेव की बात है। और यदि मैं ये सोचूं कि मैं प्रचार करता हूं तो सब कुछ बेकार है। मैं प्रचार नहीं कर रहा,
प्रचार गुरुजन कर रहे हैं। मैं मात्र एक पियन का काम कर रहा हूँ। उनकी वाणी को स्थान स्थान पर घर घर में जाकर व्यक्ति व्यक्ति पर जाकर पहुंचा देता हूँ। मैं एक पियन का काम करता हूँ। विचार करिए, यदि गुरुदेव ये बात को कह रहे हैं तो उसमें कितनी गुरुत्व है, कितनी ग्रेविटी है। मैं एक पियन का काम करता हूँ, ये बात मेरी व्यक्तिगत बात नहीं है। और यदि मैं सोचूं कि मैं प्रचार करता हूं, नहीं, प्रचार वो करते हैं, उनका ये प्रचार, मैं उनको मैं बांटता हूं उनके प्रसाद को। बड़ी गंभीरता से गुरुजी ने इस बात को कहा तो सब लोग चुप हो गए। और गुरुजी की मुखमंडल पर वो जो गंभीर एक गंभीरता वो जो भाव देखा, तो गुरुजी फिर लेट कर एक विचार में पूरे डूब गए। और उस दिन प्रसाद पाते पाते भी गुरुजी बड़े गंभीर ही थे, मेरे को अभी भी दृश्य याद है। गुरुजी की स्मृतियों में यही जम्मू की बात ही बतलाता हूं। कथा का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। टाइम है? अच्छा, हाँ टाइम है, कोई चिंता नहीं। अब विशेष करके जो सेवा की ना महाराज लास्ट में जो है वो सब भी फिर बताना जरूर। तो 2 घंटा दोगे? हाँ हाँ, 9:30 तक, 9:15, 9:30, कोई बात नहीं। अच्छा, हमारे जम्मू में रवि प्रभु है, गांव में रहते हैं। एक बार गुरुजी को आकर बोला कि गुरुजी मैं अपने गांव में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करूंगा, सारे गांव वालों को बुलाऊंगा, आप कथा के लिए आ जाइए। बड़ी विनती की। गुरुजी ने कहा ठीक है मैं आऊंगा, व्यवस्था करो। और उस समय आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे जम्मू के भक्तों से पूछना, इसने वृद्ध आयु में भी एडवांस एज में भी जो अपने घर में बुलाता गुरुजी सबके घरों में जाते 5 मिनट 10 मिनट के लिए। तो जब ये कहा कि बहुत बड़ा आयोजन होगा, गुरुजी एकदम राजी हो गए। हाँ, लेकिन उस आयोजन से एक दिन पहले रात्रि में गुरुजी 1:30 बजे जाग गए। पास में दूजी प्रभु सोते थे, लेकिन गुरुजी का स्वभाव, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता, ये सेवक सारा दिन सेवा करते हैं। हाँ, रात को भी यदि मैं इनको परेशान करूं तो इनका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, ये एक बहुत लक्ष्य करने वाली बात है, इसका मैं भी अनुभवी हूं। दिल्ली में बत्रा हॉस्पिटल में माधवप्रिय प्रभु सुबह के समय में गुरुदेव की सेवा करते थे, माधव महाराज भी साथ में, और रात्रि की शिफ्ट में मैं होता था अकेला ही गुरु जी के साथ। तो हॉस्पिटल बेड पर गुरु जी सोते और साथ में जो अटेंडेंट बेड होता है सोफा टाइप, वहां पर मैं सो गया। मैं बैठता हरिनाम करता क्योंकि मेरे को जागना है सारी रात, गुरु जी को मॉनिटर करना है, देखना है। गुरु जी कितनी बार आंख खोलकर ऐसे मुड़कर देखते तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाता। मैं ऐसे बोलता कुछ चाहिए तो मैं उधर कर लेते। फिर आधे घंटे बाद आंख खोलते, तू सोता क्यों नहीं है? मैंने बोला गुरु जी मैं तो दिन में सोया, रात में तो मेरी सेवा है। नहीं नहीं, सो जाओ, लेट जाओ, बैठने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बात ही सब जगह पूरे विश्व में बोलता हूँ, ऊपर से लग रहा है कि हम लोग गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं, परंतु वास्तव में गुरु जी हमारे स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। अस्वस्थ लीला में भी सेवक के स्वास्थ्य की चिंता गुरुदेव करते हैं। इतनी दया कहां मिलेगी? अस्वस्थ लीला में भी गुरु जी अस्वस्थ लीला में है, हॉस्पिटलाइज में है, और चिंता किसकी कर रहे हैं? सेवक के स्वास्थ्य की। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूं, क्योंकि एक बार एक रात की बात नहीं, ये लगभग रोज का ही होता था। सोता क्यों नहीं है? लेट जा। तो अब गुरु जी बिगड़ जाते तो मैं लेट जाता, और
सोने का, अच्छा सो जा अभी, सारा दिन पब्लिकेशन पे काम करते हो, रात को भी सो गए नहीं बीमार पड़ जाओगे। मैंने बोला ऐसा नहीं है गुरु जी, सुबह मैं सोता हूँ, अभी शाम को ही उठा हूँ, झूठ मत बोलो, सो जाओ। और मैं ऐसे हाथ करके नाटक कर रहा कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन नजर तो दृष्टि तो गुरुदेव की तरफ ही है। और एक दिन रात को गुरु जी, क्योंकि जब वो अपने बेड से बाथरूम जाते तो हमको उनका हाथ पकड़ना पड़ता था, क्योंकि चलते चलते थोड़ी कमजोरी थी तो चरण लड़खड़ा जाते थे, वीकनेस थी, तो इम्बैलेंस हो जाता था, कहीं गिर ना जाए। तो मैं उठकर भागकर आके गुरु जी का हाथ पकड़ता था उसे, क्यों आया, सोता क्यों नहीं है, मैं अकेला चला जाऊंगा। तो थोड़ी सी डांट हम सुन लेते, कोई बात नहीं डांट लेंगे, लेकिन वही जिद पकड़कर, हाथ पकड़कर बाथरूम तक ले जाना। तो एक दिन, एक रात्रि की बात बताता हूं, मैं ऐसे सिर हाथ रखकर ऐसे सो रहा हूँ, मतलब देख रहा हूँ गुरुदेव की प्रति, गुरु जी चुपचाप ऐसे उठे अपने बेड से, चुपचाप नीचे उतरे, जूता पहना, और फिर ऐसे मुड़कर देखा, ये जागा तो नहीं, और मेरा हाथ मैं धीरे धीरे ऐसे देख रहा हूँ, और एकदम ऐसे कर लिया, ये जागा तो नहीं, और फिर चल रहे हैं, और जब चल रहे हैं तो वही इम्बैलेंस। मैं तुरंत उठकर पीछे आया, फिर पकड़ लिया, ऐसे गुरु जी डांट लगा दी, कुछ बोला नहीं। बाथरूम से जब आए, बिस्तर पर बिठा दिया उनको बेड पर, तो हाथ वाथ पहुंचा दिया, पानी पिलवा दिया, मैं शिकायत करूंगा तुम्हारी, तुमको सेवा में नहीं रखना, चलो यहाँ से, सुबह बोल दूंगा माधव महाराज को। मैंने बोला ऐसे मत करो, मैं सोऊंगा, मैं कल से सो जाऊंगा, आप चिंता मत करो। लेकिन एक दिन गुरु जी को, अभी इसमें बहुत डिटेल्स है, मैं उतना नहीं जा रहा, एक दिन लकली मैं गुरु जी के पीछे खड़ा था, और गुरु जी को एक सेकंड दो सेकंड के लिए ब्लैकआउट हो गया, पूरा जैसे गिर ही जाते हैं, पकड़ लिया ऐसे। तो फिर मैंने बोला आप ठीक हैं? हाँ ठीक है, थोड़ा सा चक्कर आ गया था। उठाकर बिठाया, मैंने फिर माधव महाराज को भी बोला कि आप ही बोलो, हमारी बात तो गुरु जी समझेंगे नहीं, आपकी भाषा समझेंगे। तो फिर महाराज ने भी बोला कि आप समझने का प्रयास कीजिए, आप अकेले नहीं जा सकते, आप उठ नहीं सकते, थोड़े दिन ठीक हो जाएंगे, फिर आपकी जैसी इच्छा होगी ऐसे करना, परंतु अभी इनको सेवा करने दो। तब गुरु जी मान गए बात को, और हम आश्वासन भी दिया कि हाँ ये दिन में सोते हैं और रात में आते हैं, और जो दिन में जागता है वो रात को सोता है। ये सुनकर तब गुरु जी ने फिर आज्ञा दी, अर्थात परमिशन दी, सेवा कर लो। मैं क्या बताऊं इस संबंध में, वो पुरानी बात स्मरण हो आती है कि हम सेवा कर रहे हैं, वास्तव में गुरु जी हमारी सेवा कर रहे हैं। देखने में लगता है कि शिष्य गुरुदेव की सेवा करता है, परंतु वास्तविक अर्थ रूप में देखा जाए तो गुरु जी शिष्य की सेवा करते हैं। एक बालक माता पिता की सेवा नहीं करता, बल्कि माता पिता बालक का पालन पोषण करके उसको सेवक योग्य बना देते हैं। तो जब वो पालन पोषण कर रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, जो गिर चलते चलते गिर जाता है उसको उठा लेते हैं, कि माता पिता सेवा नहीं करते। ये सेवा का ही जगत है, आध्यात्मिक क्षेत्र ये सेवा का ही जगत है, यहाँ पर कोई भोक्ता नहीं है, यहाँ पर सब सेवक ही हैं। गुरु जी का, हाँ जम्मू में सेवक सो रहे साथ में, लेकिन गुरु जी चुपचाप उठे, अपने बैग को अपने आप से खोला, गुरु जी सो रहे हैं सामने, वहां पर बैग पड़ा है, बैग खोला, उसके अंदर पुस्तकें निकाली, पेन निकाला, चश्मा लिया,
है, और अपना उनका जो स्टडी टेबल होता था स्वयं उठाकर गुरु जी बेड पर सेट किया, पुस्तकों को ग्रंथों को रखा और लिखने लग गए। लगभग 1:30-2 बजे से रात से लेकर सुबह 5 बजे जब सब लोग जाग गए तो देखा लाइट जगी जल रही है और गुरु जी लिख रहे हैं। इतने आविष्ट हैं उसमें, इतने आविष्ट हैं लिखने में, उनको होश ही नहीं है कि समय क्या हो गया और कितना घंटा बीत गया। सेवक ने आकर जब पीछे से ऐसे हाथ रखा तो एकदम एब्जॉर्प्शन जो आविष्ट था जो हटी वहां से, तो चक्कर आ गया, सिर घूमने लगा, गुरुजी को लेटा दिया। तो माधव महाराज ने पूछा कितने घंटे से लिख रहे हो, तो गुरुजी बोले ये तो आधा एक घंटा हुआ अभी। तो क्या एक भूल हो गई, सेवक को जगाया नहीं कि उसको कष्ट मिलेगा, बेचारा सारा दिन सेवा करता है। गुरुजी ने कॉलर नहीं पहना था, नेक कॉलर, जो कि डॉक्टर ने बोला था अवश्य पहनना है सब समय। तो वो सिर ऐसे झुका रहा कितने घंटों घंटों, सिर ऐसे झुका रहा और लेखनी जो उनकी गुरुजी की रुक नहीं रही, चल रही है, जैसे वो अवश्यता रुकी एकदम गुरुजी चक्कर आ गया और लेट गए। मेरे को बुलाकर कहा बोल दो तीर्थ महाराज को कि थोड़ा आने में देरी हो जाएगी। माधव महाराज एकदम जिद में अड़ गए, आप प्रोग्राम में नहीं जाएंगे आज। गुरुजी ने बोला तुम लोगों का हृदय बड़ा कठोर है, मेरा तुम लोगों जैसा नहीं है। तुम लोगों को किसी भावना, किसी की प्रेम, किसी की भावना दिखती नहीं है, तुम लोगों को बस मैं दिखता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। उन्होंने इतने प्रेम से मेरे को बुलाया, कितना उन्होंने परिश्रम किया होगा, कितना यत्न किया होगा, कितनी व्यवस्था की हो गई, मेरे लिए की है, तुम लोगों के लिए नहीं की। और मैं नहीं जाऊंगा तो कैसा लगेगा उनको, मैं अवश्य जाऊंगा। गुरु जी जिद पर आ गए, और यहाँ पर माधव महाराज की जिद, सेवकों की जिद, आप नहीं जाएंगे, और रास्ता भी कोई अच्छा नहीं है, विजय प्रभु जानते हैं, बम रास्ता भी टूटा फूटा। तो हार कर फिर गुरुजी ने कह दिया कि ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग जाकर प्रोग्राम करो और मैं बाद में उनसे अपने बात कर लूंगा। कथा में कीर्तन हुआ, जब गाड़ियां रुकी द्वार पर तो सारे गांव वाले, उनके घर के सदस्य सब फूल माला लेकर, देखा गुरुजी उतरेंगे, गुरुजी उतरेंगे, एक गाड़ी से, कोई भी गाड़ी से गुरुजी नहीं उतरे। मैंने उनको बोला, क्योंकि उनके साथ मेरा पुराना संबंध है, मैत्री भाव है, बोला प्रभु गुरुजी नहीं आएंगे, एकदम उदास हो गए कि गुरुजी नहीं आएंगे, क्या उदासीन हो गए। अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग ही आ जाइए, बड़े बेमन होकर। तो कीर्तन वीर्तन हुआ, कथा हुई, थोड़ी देर के बाद जब हम लोग स्टेज पर बैठे थे, गुरुजी का आसन लगा हुआ था, थोड़ी देर के बाद दूर से देखा एक गाड़ी और आकर रुकी, शायद 1-1.5 घंटे के बाद की बात होगी, एक गाड़ी और रुकी आकर, माधव महाराज जी गाड़ी से उतरे, और हम लोग सोचने लगे माधव महाराज गुरु जी को छोड़कर कैसे आ सकते हैं, हो सकता है गुरु जी ने भेज दिया कि जाओ तुम चले जाओ। तो देखा दूसरे गेट से गुरु जी भी उतराए, और जब हल्ला मच गया, अरे गुरुदेव आ गए, सब लोग पीछे मुड़कर, वो कीर्तन वाले कीर्तन कर रहे हैं, कोई उनको नहीं पूछ रहा, सब दौड़े जा रहे हैं गेट पर, गुरु जी का कैसा स्वागत किया, हाँ क्या अनूठा स्वागत था। और लेकर आए, बिठाया, गुरु जी ने बोला मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं अधिक समय कथा नहीं बोलूंगा, 10-15 मिनट बोलकर बस चला जाऊंगा। लेकिन गुरु जी 1 घंटा कथा बोले, वहां पर अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं कर रहे, परोपकार की चिंता है ना। जैसे पूज्य पाद भारती महाराज जी बतलाते हैं ना, किसी भक्ति हृदय वन गोसाई महाराज, उन्होंने कहा हम सरस्वती पुत्र हैं, हम सरस्वती पुत्र हैं, हम मौन रहना नहीं जानते। गुरुदेव का जन्म भले ही मौनी अवस्था में हुआ, लेकिन प्रभुपाद जी की भाषा में वास्तव में मौन शब्द का अर्थ क्या है,
वास्तव में मौन शब्द का अर्थ क्या है? जो सब समय वाचाल रहे, कृष्ण कथा में ही जो वाचाल रहे वही वास्तविक मौन है। और ये तो ठीक श्रील गुरुदेव के जीवन चरित्र में हम लोगों ने देखा, कभी चुप रहे। शनवंती गायंती गृहनंत साधव, कोई श्रोता मिल जाए बस गुरु जी की हरी कथा आरम्भ हो जाए। कभी भी गुरु जी को खाली बैठे नहीं देखा। कभी एक सौभाग्य से कक्ष में भीतर रहने का सौभाग्य मिला गुरुदेव के, वृंदावन में भी, मथुरा में भी, और नहीं स्थान पर। या तो कुछ ग्रंथ लिखेंगे या लाइब्रेरी से बोलेंगे, अच्छा वो मथुरा में लाइब्रेरी थी गुरु जी की, अलमारियां थी उसमें पुस्तक, अच्छा वो ग्रंथ निकाल दो, निकाल कर पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, कुछ लिखेंगे। ये तो हरि नाम जब करते करते गुरु जी हरे कृष्ण किसी एक विषय का चिंतन करते, और वही विषय जिसका चिंतन चल रहा होता है प्रश्न के रूप में प्रकट करते हैं। कभी भी नवदीप परिक्रमा में जो जो उस समय श्री भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी, श्री भक्ति वेदांत विक्रम गोस्वामी महाराज जी और श्री गुरुदेव तीनों एक ही आसन पर डायस पर बैठे हैं और पीछे इतने सन्यासी बैठे हैं, क्या दृश्य था वो। 2001 की बात, तीनों आचार्य एक साथ एक ही स्टेज पर बैठे। तो गुरु जी का यही तो किसी विषय पर चिंतन, और वो चिंतन सभा में गुरु जी प्रकट करते। अच्छा बताओ कौन सा धाम श्रेष्ठ है, नवदीप धाम श्रेष्ठ है कि जगन्नाथपुरी धाम श्रेष्ठ है? अब सारे सन्यासी जगन्नाथपुरी धाम को ही श्रेष्ठ बताने लगे। जब सबके सबका कहना पूरा हो चुका तब गुरुजी अपने सार बात को कहते, और कितने प्रमाणों के द्वारा ये प्रमाणित करके कि दोनों धामों में नवदीप धाम श्रेष्ठ है, क्योंकि लौकिक सद्बंधुवत भाव। अष्टकाली लीला स्मरण, जो श्री गौरव महाप्रभु जी की अष्टकाली लीला स्मरण, उसमें नवदीप लीला का ही वर्णन हुआ है, वहां जगन्नाथपुरी का वर्णन नहीं हुआ है। ऐसे गुरु जी बहुत सारे प्रमाणों के द्वारा धाम कौन सा श्रेष्ठ है ये बात को सबके सामने मतलब प्रकट कर देते। और त्रिविक्रम महाराज जी, उनको तो गुरु जी के विषय को काटना ही है, कोई भी बात क्यों ना हो। मतलब जैसे सोच ही लिया कि जो गुरु जी बोलेंगे उसका दूसरी बात ही बोलनी है। अगले ये एक दिन संध्या के समय में गुरु जी ने ये बात को स्थापित कर दिया और सब चर्चा हो गई चारों तरफ। सब कहने लगे अरे क्या गुरु जी ने क्या विषय बताया, अरे वाह कभी चिंतन में भी नहीं आया। सब भक्त लोग परिक्रमा में चलते चलते सबके मुंह में ये बात थी। अगले दिन परिक्रमा जब समाप्त हुई तो वहां देवानंद गौड़िया मठ में, वहीं से परिक्रमा आरंभ होती थी, जब लौट कर आए तो पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी मठ के पीछे वो जो परिक्रमा मार्ग होती है वहां पर अपनी रेस्ट चेयर पर ऐसे बैठे होते हैं, भक्त आके उनको प्रणाम करते। मैं त्रिविक्रम महाराज जी के पास बैठा था, पंखा कर रहा था, तो कुछ भक्त लोग आए, विदेशी भक्त लोग। पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी ने पूछा What your Gurudev established yesterday, which dham is superior, what you think about this, what you have to say about this? So I said, what Gurudev said is 100% correct. Navdeep dham is superior. Vikram Maharaj said, you sure? Bolte, yes, Gurudev established this. So I said, Vikram Maharaj said, okay, listen to me. Suppose if your Gurudev right now in the middle of Navdeep Parikrama, if he goes to Vrindavan Dham, if he goes to Vrindavan Dham, what will be your move? Where you want to go? Puri or Navdeep? So we all thought, but yeah, of course, we will go to Vrindavan Dham. Then Trikumar said,
त्रिकुमार जी कहने लगे, देन यू आर लीविंग द सुपीरियर धाम नवदीप धाम एंड यू रनिंग आफ्टर नारायण महाराज गोइंग टू वृंदावन धाम. वो चक्कर आ गया उनको, बोले वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से. तब त्रिकुमार जी एक मंद मंद मुस्कान हंसते हुए कहने लगे, यही स्थान वैष्णवगण सही स्थान वृंदावन सही स्थान आनंद विशेष. जिस धाम में गुरुजन वास करते हैं वही धाम सर्वश्रेष्ठ है. यदि नारायण महाराज जगन्नाथपुरी जाएंगे तो वही श्रेष्ठ हो जाएगा शिष्य के लिए, यदि वो वृंदावन जाएंगे तो वही श्रेष्ठ होगा, और जो नवदीप रहेंगे तो नवदीप ही श्रेष्ठ होगा. तो ऊपर से लगता है त्रिपुर महाराज जी थोड़ा गुरु जी की बात का विरोध कर रहे हैं, परंतु वास्तव में गुरु जी की महिमा का ही व्याख्यान करते थे. वास्तव में पहले तो टेढ़ा मेढ़ा करके बाद में जो सार जो होता था वो उसी पर ही आगर समाप्त होता था कि महाराज जी के चरणों में बैठकर हरि कथा सुनना ही वास्तव में धाम वास है. तो इस प्रकार से बातें तो बहुत हैं. अंतिम समय की महाराज थोड़ी सी बातें, अंतिम समय की. गुरुदेव अस्वस्थ लीला में जनकपुरी में श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ में रहने लगे, और किसी एक विशेष चिंतन में गुरु जी डूबे रहते. किसी को देखने की भी इच्छा नहीं होती, मगर भक्तों का आग्रह जब होता तो हम गुरु जी को हाथ पकड़कर बाहर ले आते, और सारे भक्त लोग चाइना से अमेरिका से यूरोप से गुरु जी के बाहर कक्ष के बाहर बरामदे में बैठकर मां मंत्र का जयघोष करते कीर्तन करते. गुरु जी उनको देखने आते, सब लोग गुरुदेव का दर्शन करके प्रणाम इत्यादि करते, लेकिन गुरुदेव अधिक समय वहां पर रहना नहीं चाहते, तुरंत अंदर लौट आते. इस्कॉन के कुछ सन्यासी जो जीवीसी वे आकर गुरु जी को प्रणाम करने आए. देखो लक्ष्य करने वाली बात, बहुत बड़े बड़े सन्यासी हैं वो, जीवीसी हैं पूरे भारत के, और गुरु जी तो लेटे हुए थे अपने बेड पर, साष्टांग प्रणाम किया उन लोगों ने. गुरु जी उनके गुरु वर के समान है, गुरु जी ने उनका पालन पोषण किया. लेकिन जब उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया, गुरु जी हाथ जोड़कर उन्होंने भी ऐसे प्रणाम किया, उनका सम्मान किया, तो वे हाथ जोड़कर गुरुदेव के पास आकर क्षमा मांगने लगे. हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, आप हमको क्षमा कीजिएगा, सोसाइटी की संरक्षण करने के लिए हमको बहुत कुछ कहना पड़ा. तो इस प्रकार से कुछ दो चार बातें उन्होंने कही, लेकिन गुरुदेव भी उस समय गुरुदेव की भी करुणा उनके नेत्रों से बरस रही थी, तो बस हाथ ऐसे जोड़कर गुरु जी भी बस अधिक कुछ नहीं बोलने लगे, आप सब ठीक हैं, बस इतना ही कहा. बस इस प्रकार से मुद्रा दिखाई और हाथ भी जोड़े, और जो उन्होंने कहा वो तो फिर गुरुदेव भी जानते हैं. इस प्रकार से वो लोग चले गए. कार्तिक का महीना आया, गुरु जी इतने उतावले हो रहे हैं, हमको ब्रजमंडल जाना है, परिक्रमा में जाना है. अब दिल्ली में जितनी डॉक्टरों की सुविधा है उतनी तो गोवर्धन में वृंदावन में नहीं मिलेगी, और अगर अकस्मात कुछ हो गया तो फिर वृंदावन से दिल्ली लाना 3 घंटे और फिर ट्रैफिक. लेकिन गुरु जी की जिद है, हमको परिक्रमा जाना है. पूरे संसार से विश्व से भक्त लोग आए, जिसको नहीं भी आना था वो भी आया था. लोगों ने अपने गाड़ियों को बेचकर टिकट खरीद कर कि अब गुरु जी की ये
स्वस्थ लीला चल रही है और ना जाने क्या हो जाएगा, फिर इनका दर्शन प्राप्त होगा कि नहीं होगा पता नहीं। तो भक्त लोग बताते हैं किसी ने अपनी गाड़ियां बेच दी, किसी ने अपना कुछ बेच दिया, टिकट खरीद करके जैसे तैसे हर व्यक्ति गुरुदेव का दर्शन करने आया। तो मानो गुरुदेव उनके अपने समस्त आश्रितजनों के, उन समस्त भक्तों के हृदय की भावना को ऐसी अवस्था में भी रखते हुए कि मैं भी सम्मिलित हूंगा क्योंकि ये मेरे लिए आ रहे हैं। गुरुदेव भाई गोवर्धन में वास किया और स्क्रीन पर गुरु जी को दिखलाया जाता। सबका आग्रह कि गुरु जी का दिन में एक बार तो दर्शन हो जाए। संध्या के समय में सेवक वृंद सब गुरु जी को व्हील चेयर पर बाहर लेकर आते। गुरु जी अधिक समय वहां रहना नहीं चाहते। आप लोग जो सब विषय को जानते ही हैं, मैं उसको कहूंगा नहीं। गुरु जी अधिक समय बाहर रहना नहीं चाहते, तुरंत अंदर ले जाओ। क्यों? जो अधिकारी नहीं है, जो अभी इमेच्योर है, वे अपराध करके कहीं नरक ना जाए, कहीं ये विचार ना कर ले कि गुरुदेव का जो दिव्य कलेवर होता है उस दिव्य कलेवर में कोई साधारण मनुष्य बुद्धि करे। श्री रूप गोस्वामी जी ने पद्यावली में कहा ना, अर्चे विष्णु सिदादि गुरुषु नर्मते वैष्णव जाति बुद्धि। भगवान के अर्चा विग्रह में जो धातु की बुद्धि करता है, पीतल की है, सोने की है इत्यादि, और गुरुदेव के प्रति जो मनुष्य बुद्धि करता है और वैष्णव के प्रति जो जाति बुद्धि करता है, नरक गामी है। गुरु जी कि ये लोग देखकर मेरी ऐसी स्थिति, नाक में वो ट्यूब लगी हुई है, फीडिंग ट्यूब बोलते हैं इसको, राइस ट्यूब बोलते हैं, ये लोग क्या समझेंगे? पहले इन्होंने किस प्रकार का मेरा रूप देखा, अर्थात एक दर्शन है, और अब ऐसी स्थिति में कहीं मनुष्य बुद्धि ना कर बैठे। ऐसी स्थिति में भी अपने शिष्य के कल्याण के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए अदर्शन, मतलब दर्शन नहीं देने की भी जो इच्छा, वो भी उनके कल्याण के लिए ही है। गुरु जी देखना सबको चाहते हैं, और जब बाहर आते थे चारों तरफ देखते थे। आप देखो कुछ उनकी फोटोग्राफ भी देखना, गुरु जी पॉइंट भी कर रहे हैं, ओ तुम भी आया, तुम भी आई, ऐसे कर रहे हैं। उमंग और हर्ष तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ सब भक्तों के कल्याण के लिए कि मनुष्य बुद्धि ना हो जाए, तुरंत आ जाते हैं। हम लोग गुरु जी को जो प्रसाद देते थोड़ा थोड़ा खाते, एक दो चार चम्मच बस हो गया, और उसके बाद हम लोग जो भी कक्ष में होते सब सेवक हम लोग गुरु जी का प्रसाद खाते। लेकिन एक दिन गुरु जी ने बोल दिया, बोलते ये वाला प्रसाद नहीं खाना। तो पूछा गया क्यों? नहीं, मेरे को रोग है ना, मैं नहीं चाहता तुम लोगों को कुछ परेशानी आ जाए। कैसी स्थिति में चिंता किसकी हो रही है? कहीं इन लोगों को कोई असुविधा ना हो ये खाने से। ऐसे नहीं करुणा सिंधु कह दिया गया, पूरे करुणा के सिंधु हैं। हर स्थिति में अपने आश्रित जन के कल्याण की और उनकी रक्षा की सबसे में चिंता करने वाले ऐसे गुरुदेव ना भूतो ना भविष्यति, सबके साथ जो इतना अंतरंग भाव रखने वाले, प्रसाद के लिए निषेध कर रहे हैं। तो उनको पीड़ा होती थी ये सब देखकर, हमने गुरुदेव के सामने खाने छोड़ दिए। हम फिर बाहर आकर वो प्रसाद लेते थे गुरु जी का, विशिष्ट प्रसाद जिसमें उनको सुख मिले, नहीं तो चिंता में रहते सब में। और ऐसा लगता है कुछ भक्त समझते थे कि गुरु जी अर्ध बाह्य दशा में है, मतलब उनको कुछ जानकारी नहीं है, दिन रात की होश ही नहीं है, सुदबुद्धि नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक दिन गुरु जी ने, मैं साथ में खड़ा था, गुरु जी ने पूछा
आज परिक्रमा कहाँ गई? अब हम तो परिक्रमा जाते ही नहीं थे, हमको तो पता ही नहीं। तो एक अंदाजे से बोल दिया कि सुना था नंदगांव गई है। गुरुजी ने एकदम देखकर बोला, तुम्हें नहीं पता, मुझको पता है, आज बरसाना गई है। तो हम हैरान हो गए, अरे मैं अकेला नहीं था, अभी भक्त लोग थे। गुरु जी आप बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? हमको लग रहा है परिक्रमा में गुरुदेव नहीं है। गुरुदेव अलक्षित रूप से परिक्रमा में जाते और अब भी जाते हैं, मेरी कोई अनुभूति नहीं है, मेरी ऐसा कोई अनुभव नहीं है, ना मेरी कोई ऐसी दिव्य दृष्टि है, लेकिन ये बात सत्य है। गुरुदेव की परिक्रमा में गुरुदेव स्वयं कभी लक्षित रूप से कभी अलक्षित रूप से, और विशेष करके 2010 वो जो परिक्रमा, जो जो गुरुदेव का सिम्टम्स देखा जा रहा था, गुरुजी सब शाम को आके तुझे पास तुम्हारे प्रणाम करने आते, तो गुरुदेव बोलते आज परिक्रमा कैसी रही, कौन कहाँ क्या बोला, पूरी सूचना रखते, पूरी खबर रखते, बात प्रसाद कैसा हो रहा है। तो अपनी सुधबुद नहीं है, अपनी चिंता नहीं है, चिंता है परिक्रमा की। और सारा जीवन यही तो गुरुदेव ने परिक्रमा को कितना उत्साह दिया, कितना उत्साह दिया सबको, ये परिक्रमा में अवश्य आना है। एक दिन मैं और माधव प्रिय प्रभु परिक्रमा चली गई थी, ये 2010 की बात नहीं, उससे पहले वर्षों की बात बता रहा हूँ। गुरुदेव गोवर्धन मठ में जहाँ ठाकुर जी का दर्शन करके बाहर आते हैं, सीढ़ियों के पास जो बरामदा, गुरु जी वहां बैठे हुए थे, धूप में बैठे हुए थे, धूप सेक रहे थे और हरि नाम कर रहे थे। तो मैं माधव प्रभु ने आकर प्रणाम किया, तो माधव प्रभु ने प्रश्न गुरु जी से एक बात कही कि गुरु जी हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, आपने बोला कि परिक्रमा में सबको जाना ही चाहिए, वर्ष में एक बार होती है, तो हम आपके आदेश का उल्लंघन करते हैं, हमको दोष तो नहीं लगेगा, और कोई ऐसे जिज्ञासा नहीं, निष्कपट भाव से जिज्ञासा की थी, क्योंकि बार बार मन में चिंतन होता था कि हम परिक्रमा में नहीं जा रहे, और गुरु जी बार बार जोर दे रहे हैं कि सबको परिक्रमा में जाना ही चाहिए। तो निष्कपट भाव से उन्होंने पूछा, तो गुरु जी ने उत्तर क्या दिया, उसने बोला तुम लोग जो सेवा कर रहे हो, मेरे आशीर्वाद से तुमको परिक्रमा पर का फल मिलेगा। इतनी बात, बड़ी बात बोल रही है, तुमको परिक्रमा का फल मिल जाएगा, क्योंकि ये जो काम है, जो ग्रंथ सेवा, वो और कौन करेगा। 2001 में जब हम मथुरा मठ में आए, हमारे गुरु महाराज जी 1999 में अंतर ध्यान लीला किए, 2000 में गुरुदेव मठ में आए, और उस समय जो पब्लिकेशन डिपार्टमेंट में कुछ अभाव था, तो गुरुदेव ने हम दोनों को बुलाकर बोला तुम अब प्रकाशन सेवा संभालोगे, ना मुझको किसी बात का अनुभव, ना माधव प्रभु को किसी बात का अनुभव, ये ट्रांसलेशन होता क्या है और प्रकाशन होता क्या है, पब्लिकेशन का पी भी नहीं पता था। गुरुदेव ने बोला सीख जाओगे, शुरू कर दो, आरंभ कर दो, सब हो जाएगा। और सच में बड़े आश्चर्य की बात है, कुछ ही समय में जो जो कुछ कार्य करने होते थे सीखते चले गए हम भक्तों की कृपा से, उन्होंने सिखा दिया सब। तो इसलिए ना नवदीप परिक्रमा में हम लोग जाते हैं, ना कार्तिक परिक्रमा में जाते हैं, इसलिए मन में एक ठेस थी, कहीं हम गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए अपने सोचने से अच्छा डायरेक्टली पूछ लिया जाए। तो गुरु जी ने बोला कोई दोष नहीं, क्योंकि मेरे मैं आशीर्वाद देता हूं तुमको, तो परिक्रमा का फल मिलेगा। बस अब फल मिले ना मिले, लेकिन गुरु जी ने ये बोल दिया कि मेरे एक्नॉलेज में है, मैं जानता हूं कि तुम लोग परिक्रमा नहीं जा रहे, हमको फल की आवश्यकता नहीं, लेकिन कम से कम दोष ना लगे, अपराध ना हो गुरु वाक्य का उल्लंघन करने के लिए।
बस मन में एक थोड़ी सी ये ठीक थी, वो संशय दूर हो गया। एक बार प्रेम प्रभु की वो गोपीनाथ भवन में, जहाँ पर वो किचन में सारे भक्त लोग आलू छीलते हैं ना, मैं आलू छील रहा था, गुरुजी पीछे से आए पीछे से आए तो कुछ भक्तों ने देखा, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, गुरुजी को देखकर गंभीर हो गए, रस्से छीलने लगे। और गुरुजी इंस्पेक्शन करने आते थे, क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, तो ऐसे देखते देखते कौन कौन क्या कर रहा है, नजर दृष्टि नीचे पड़ी और मैं बैठा था आलू छील रहा था, यूं पकड़ा कान और कान से ऊपर ऐसे उठा दिया कान से, और इतना दर्द हुआ, देखा है कौन, देखा गुरु जी खड़े, तो घबरा गया देखकर, बोलते ये तुम्हारा काम नहीं है, आलू छीलने के लिए मेरे पास 500 लोग पड़े हैं, आलू छीलने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन वो जो कमरे में बैठ कर तुम लोग जो कंप्यूटर पे जो काम करते हो वो करने वाले नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं है, उठो यहाँ से चलो उधर, ये ग्रंथ क्यों नहीं हुआ, वो ग्रंथ क्यों नहीं हुआ, पूरी सूचना खबर लेते। हवाई से गुरु जी का फोन आता, तो फोन आता तो सब घबरा जाते, ये कार्य पूरा क्यों नहीं हो रहा, तो वो ही चिंतन परिक्रमा के समय में भी, मैंने 2010 की परिक्रमा के समय में भी रसोई क्या बन रही है, सबको प्रसाद मिल रहा है कि नहीं, और साथ ही साथ अपने सेवकों का, अपने आशीजनों की सुरक्षा का भी पूरा पूरा ध्यान। उसी अवस्था में पूज्य पाठ श्रीधर महाराज का संन्यास हुआ, और भी दो तीन संन्यास हुए, और बस मेरे गुरु महाराज जी की जो तिथि थी, जो कार्तिक का अंतिम दिन होता है, बस वो एक हमारे जो बाबा जी महाराज जो रसोई करते हैं, प्रद्युम्न बाबा जी महाराज, उनका हुआ, और और अंत में बस मेरा ही हुआ संन्यास उसी दिन। उसके बाद परिक्रमा समाप्त हो गई, गुरु जी जगन्नाथपुरी में आ गए, धाम में आ गए, उसके बीच में बहुत सारी वार्तालाप है, वो इतना डिटेल में नहीं जाता, लेकिन पुरी में आकर जिस प्रकार से जगन्नाथपुरी को कहा जाता है विप्रलम क्षेत्र, गुरुदेव भी किसी एक विप्रलम विशेष भाव में भावित हुए दिखे गए, समुद्र की ओर देखते और बस देखते चले जाते, कंठ थोड़ा सा हिलता, स्तुति करते हैं कि हरि नाम करते हैं, हमको नहीं पता। तो एक दिन एक सेवक ने पूछा, गुरुदेव आप क्या देखते हैं, तो गुरु जी ने बोला ये वही स्थान है जहां पर महाप्रभु जी विप्रलम भाव का स्वादन करते थे, बड़े गंभीरता गंभीर शब्दों में गुरु जी ने इस वाक्य को कहा, बोलना कम हो गया था, गुरु जी अधिकांश रूप में चिंतन में रहते, मैं वहीं पर रहकर ये देखता कि ये वही स्थान है जहां पर 1999 में मेरे गुरु महाराज जी की भी यही दशा थी, यही स्थान था, क्योंकि अधिक दूर नहीं है, 2 मिनट का तो वॉकिंग डिस्टेंस है, श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ और जय श्री दामोदर गौड़िया मठ, वही समुद्र का तल तट है, वही सेवा और वही दोनों के अंदर एक जैसे ही जो भाव लक्षित हो रहे हैं, देखे जा रहे हैं, एक जैसे ही गुरु महाराज जी की भी वही स्थिति थी, वही सेवा थी, रात को जागना, गुरु महाराज के पास बैठकर कीर्तन करना, चैतन्य चैतन्य का पाठ करना, गुरुदेव के साथ रहकर भी वही, हमारे संजय प्रभु माधव प्रिया प्रभु मैं और हमारे और भी भक्त लोग विदेशी भक्त लोग भी थे, सुंदर गोपाल प्रभु हैं कोस्टारिका के, मधुव्रत प्रभु, ये हम लोग पूरी एक टीम थी, और ये तय हुआ था कि दो 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 सेवक सब समय साथ में रहेंगे, तो 8-8 घंटे की वो शिफ्ट बना दी गई थी, उसके बाद माधव महाराज जी भजना प्रभु जी वो ऊपर ऊपर से सब देखते थे, मगर गुरु जी को स्नान कराना, स्नान के समय भी गुरु जी की स्तुति चलती रहती, वो उतने ऊंचे स्वर में तो नहीं जैसे पहले होती थी,
जो 1992 में मैं बता रहा था, जो मेरे घर में गुरुजी जब उच्चारण करते थे, और या फिर हरिद्वार में भी एक बार हम लोग गुरु जी के साथ गए थे तो गुरु जी को मसाज कर रहे थे, तो गुरु जी उच्च स्वर में ललिताष्टकम यमुनाष्टकम ये सब पाठ करते। लेकिन अभी स्नान के समय में जगन्नाथपुरी धाम में गुरु बड़े मंद गति धीमे शब्दों में वो स्तव स्तुति का पाठ करते, हरिनाम जप करते स्नान अवस्था में भी, लेकिन प्रसाद पाने की अब इच्छा नहीं रही गुरु जी की। जबरदस्ती गुरु जी को महाराज जी प्रसाद खुआते, क्योंकि कुछ भी नहीं खाते थे, पूरा पूरा का पूरा अंतर दशा में ही धीरे 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 गुरु जी पास क्रंदन करना, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होते थे और मुंह से झाग निकलना। झाग का मतलब जैसे, और ये कि बिल्कुल ये कि यही सिम्टम मैंने अपने गुरु महाराज जी को देखा 99 में, उनकी भी यही अस्वस्थ लीला थी और गुरुदेव की भी वही अस्वस्थ लीला थी। आंखों से जब अश्रु बहते तो रुकने का नाम नहीं लेते, बस बहते ही चले जाते, बहते ही चले जाते। विप्रलम क्षेत्र विप्रलम स्थान, जहां महाप्रभु जी ने विप्रलम भाव का स्वादन किया, श्री गुरुदेव भी उसी महाप्रभु के उन्हीं विप्रलम भाव का स्वादन कर रहे। परंतु अप्राकृत वस्तु नहीं प्राकृत गोचर, गुरुदेव के सारे भाव अप्राकृत हैं, हम बंद जीव उसको कैसे समझे। हम तो बस इतना ही देख रहे हैं गुरु जी का स्वास्थ्य ठीक रहे, उनको ठीक से रखा जाए, प्रसाद दवाई ये सब, लेकिन वहां अप्राकृत स्थिति में वो भावों को कैसे समझा जाए। वो तो रूप गोस्वामी जी ही भक्ति स्वामी सिंधु में लिख रहे हैं कि मुंह से झाग निकलती है, फेन निकलता है, आंखों से अश्रु बहते हैं, और गुरु जी का कलेवर स्वर्णमय होता जा रहा था, स्वर्णमय होता जा रहा था। कहां तो कमजोर होने के बाद हाँ कलेवर कुछ और ढंग का होना चाहिए, लेकिन गुरु जी का कलेवर स्वर्णमय हो रहा है, सुंदर सर्वांग। और कितना कहीं, बस गोवर्धन में पूज्यपाल शिला भक्ति वेदान वामन गोस्वामी महाराज जी की तिथि थी, आप सब लोग तो जानते ही हो, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। सब लोग बड़ी चिंता में थे कि गुरु जी कभी उस तिथि को ही अवलंबन करके कहीं हमको छोड़ के ना चले जाएं, तो सब लोग प्रार्थना करने लगे, यज्ञ होने लगे, कीर्तन होने लगा सारी सारी रात। वो तिथि निकल गई और सबको मन में एक शांति मिली कि चलो वो तिथि तो निकल गई। और ऐसे करते करते पूरी मठ में, जहां पर पूरा मठ को सजाया जा रहा था, तिथि आ रही थी ना, कौन सी तिथि आ रही थी, अपीयरेंस डे ऑफ वामन गोस्वामी महाराज। मुझे पास श्री भक्ति विधान वामन गोस्वामी महाराज की तिथि आ रही थी, पूरा मठ सजाया जा रहा था। बस गुरु ने बिना किसी प्रकार की सूचना दिए और बिना किसी प्रकार का संकेत देते हुए, और वही की वही लीला जो गुरु महाराज ने भी वही रात्रि लीला में ही गुरुदेव ने भी वही समय ही चुना। संजय प्रभु थे, तुरंत आकर जगाया माधव प्रभु, हम लोग सब दौड़े दौड़े अंदर गए, तो जो भी सेवक वे मंदिर थे, कोई कीर्तन कर रहा था, किसी ने गुरु जी को पकड़ रखा था, मैंने गुरु जी को पकड़ रखा था, किसी ने चरण पकड़ रखे थे, और उसी तिथि को अवलंबन करके गुरु जी इस धराधाम से अंतर ध्यान लीला 2010 में गुरुदेव ने की। और जिस प्रकार गुरु महाराज जी को जगन्नाथपुरी धाम से मायापुर ले जाया गया था, गुरुदेव को भी उसी प्रकार से ठीक वही ढंग
हमारे प्रभु ने बतलाया कि हम गुरु महाराज को ऐसे ले गए थे, गुरुदेव को भी ऐसे ले जाना चाहिए। तो फिर एक बहुत सारी गाड़ियां, भक्त लोग, और इस गाड़ी में हमारे मधु मंगल प्रभु ड्राइव कर रहे थे, माधव महाराज जी बैठे थे, और पीछे मैं और माधव प्रभु गुरुदेव के दिव्य कलेवर को पद्म आसन में बिठाकर, क्योंकि अगर पद्म आसन में ना बिठाया जाए तो बाद में फिर बिठाना मुश्किल हो जाता है। तो उसी समय पद्म आसन में, ऐसे पद्म आसन में गुरुदेव को बिठाकर जगन्नाथपुरी सिंह द्वार पर ले जाया गया। भीतर से भक्त लोग जगन्नाथ जी की प्रसादी माला और प्रसाद लेकर आए, गुरु महाराज जी को, गुरुदेव को वो माला अर्पण की गई, जगन्नाथ जी का प्रसाद अर्पण किया गया। फिर वहीं से तोता गोपीनाथ जी को बाहर से ही प्रणाम करते हुए, हरिदास ठाकुर जी की समाधि को प्रणाम करते हुए फिर श्री नवदीप धाम में जब पहुंचे, ओह, भक्तों का सैलाब वहां पर पहुंचा हुआ है। रात्रि के समय जब वहां पहुंचे, मैं बता नहीं सकता वो दृश्य कैसे था। तुरंत गाड़ियों के शीशे ऊपर कर दिए गए, क्यों? सब लोग गुरु जी को छूना चाहते हैं। एक मतलब जैसे फिर से परिक्रमा आरंभ हो गई हो, हजारों की संख्या में भक्त लोग वहां पर पूरी गाड़ी को मार रहे हैं, शीशा खोलो, पूरी गाड़ी ही हिल रही है, पूरी गाड़ी को हिला डाला कि अब गाड़ी उल्टा ही देंगे, ऐसी स्थिति हो गई, इतने अग्रेसिव हो गए सब लोग। फिर वहां से हमारे पूज्यपाद नरसिंह महाराज जी, भक्तिराज नरसिंह महाराज और प्रद्युम बाबा जी और बहुत सारे ब्रह्मचारी दौड़े दौड़े आए, भक्तों को कंट्रोल किया, मार्ग दिया गया। तो गाड़ी लेकर ठाकुर जी के नाट्य मंदिर तक, और फिर सबको गाड़ी से निकलकर, अभी गुरु जी को गाड़ी से निकाला नहीं, गुरु जी गाड़ी में बैठे थे, बाहर शीशा खोलकर जोर से चिल्लाए कि आप सब लोग शांत हो जाइए, अभी समाधि नहीं होगी, गुरु जी को नाट्य मंदिर में रखा जाएगा और गुरुदेव को नाट्य मंदिर में रखा जाएगा, सबको दर्शन करने का, स्पर्श करने का, पुष्पांजलि देने का सबको सौभाग्य मिलेगा, सबसे विनती की गई। तब कहीं जाकर भक्तों को शांति मिली और गुरु जी को ले जाया गया, नाट्य मंदिर में रखा गया। सारी रात कीर्तन हुआ, हमारे गौरदास प्रभु, गौरव प्रभु, उन्होंने कीर्तन महामंत्र किया, कृष्ण बहुत सारे भक्तों ने किया, और सबने बड़े श्रद्धा से आकर गुरुदेव के सामने पुष्पांजलि अपनी अर्पण की, और ऐसे करते करते निर्ध समय पर गुरुदेव को समाधि प्रदान की गई। ये सिर्फ एक आउटलाइन थी, लेकिन इसके बीच में बहुत सारी बातें और भी हैं। फिर कभी सुयोग होने पर उन सब बातों को भी कहने का यदि सौभाग्य मिलेगा, निश्चित रूप से महाराज, फिर दोबारा मतलब बुलाएंगे फिर दोबारा। और आज थोड़ा सा लेट, मतलब समय हो गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। महाराज जी, आपने इतना सुंदर मार्मिक रूप से प्रदेश परिषी, ये सब बातें हमने कभी मतलब सुनी नहीं है, तो सब श्रोताओं ने भी पहली बार शायद इतना विवरण से सारी बातें मतलब सुनी होगी। हम लोग महाराज जी के चरणों में ऋणी है कि महाराज जी ने इतने सुंदर रूप से माधव प्रिय प्रभु के साथ, संजय प्रभु के साथ श्री गुरुदेव की मतलब सेवा की है, हम शब्दों से कह नहीं सकते, जिन लोगों ने देखा है। और तो समय ज्यादा नहीं है, तो इस वजह से हम लोग फिर दोबारा महाराज जी से करेंगे प्रार्थना, फिर किसी दिन महाराज जी को फिर बुलाएंगे विस्तार से, और भी जो डिटेल्स होंगे या श्री गुरुदेव की विशेष विशेष बातें होंगे फिर हम लोगों से करेंगे शेयर। और हम लोगों के साथ महाराज आज लगभग 100 से ज्यादा लोग मतलब जुड़े हुए थे, ओडिशा से सुबल प्रभु थे, कनाडा से
अजय पायलट प्रभु थे और भी बहुत सारे लोग थे, सब लोगों के मन में मतलब कौतूहल था कुछ आपसे मतलब बात करें, कुछ पूछे, कि तो टाइम नहीं आज लेट हो गया है, तो फिर दोबारा यदि कभी सुयोग होगा हम लोग जो श्रोता होंगे ना उन लोगों से भी कुछ कुछ प्रश्न होंगे, कुछ बातें होंगे, फिर कभी हम मिलेंगे तो हम बस उन सभी लोगों से भी, श्रोताओं से भी कुछ प्रश्न हम लोग बुलवाएंगे। ठीक है महाराज, दंडवत प्रणाम सबको। हाँ मंत्र गुरु महाराज की जय, पूज्य पद सिद्धांति महाराज की जय, बहुत सुंदर सुंदर मार्मिक लीलाओं की जय, सब श्रोताओं की जय। कल हम लोग फिर दोबारा इसी समय पूजनीय उमा दीदी के श्रीमुखारविंद से हम लोग श्री गुरु वर्गों की जो महिमा को सुनेंगे, आप सभी लोग हम लोगों का साथ दें इसी समय। गौर प्रेमानंदे श्री गुरुदेव की देव की जय, सेंटेनियल वर्ष की जय। आप सब लोग अपनी अपनी पुष्पांजलि भेज ही रहे होंगे, हम उनको फेसबुक पर शेयर कर रहे हैं। अब सबसे प्रार्थना कर रहे हैं, अब अपनी जो भी पुष्पांजलि स्मृतियां वो सब लिख कर रिकॉर्ड करके सेंटेनियल टीम तक पहुंचा दीजिए। लवंगा दीदी, अम्बरीश प्रभु, वहां पर विष्णु प्रभु भी इस पर काम कर रहे हैं। आप जितना संभव हो सके जितना जल्दी रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ भी, दो चार बातें, 10 बातें, 100 बातें, 1000 बातें, जितनी भी है सब पूरा निकाल दो अपने हृदय से। हरे कृष्ण, धन्यवाद।